तो आपने छाछ तो बहुत तरीके की दी होगी, लेकिन आज हम आपको अपने किचन में बनाना सिखा रहे हैं कि कोयले वाली छाछ, जी हाँ, हम इसमें ज्वार देंगे कोयले का, किस तरीके से ये बनेगी। आइए अपने किचन में चलते हैं और आपको ये रेसिपी सिखाते हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है जी आपका हमारे किचन में। और आज हम आपको एक ऐसी चीज पिलाने वाले हैं जो आपने पी तो बहुत बार होगी, लेकिन इस तरीके से, इस अंदाज से नहीं पी होगी। जी हाँ, हम आज आपको कोयले वाली छाछ पिलाने वाले हैं। मुझे पता है आपने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन सच बता रहा हूँ, एक बार अपने किचन में ये जरूर ट्राई करना। इसका जो टेस्ट फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो हमें यहाँ पे लेना है एक मिक्सी ग्राइंडर, उसके अंदर हम डालेंगे लगभग एक कटोरी के आसपास अपनी दही। तो मैं यहाँ पे फुल क्रीम दूध से जमाई हुई दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हमने इसमें डाल दिया जी एक कटोरी के लगभग दही। इसमें हम डालेंगे बारीक आधा चम्मच चॉप अदरक, आधी ही हम इसमें हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा हम इसमें धनिया डाल रहे हैं जी एक चम्मच के लगभग, और 8 से 10 हम इसमें पुदीने के पत्ते डाल रहे हैं। इसके साथ हम इसमें डाल रहे हैं काला नमक, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा, काला जीरा, और थोड़ी सी बिल्कुल इसमें हम काली मिर्च डाल रहे हैं। आइए इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, थोड़ा सा, यस। और अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो ये हमारा जो बोल है वो तैयार हो चुका है जी। इसमें हम ठंडा पानी डाल रहे हैं लगभग 1 गिलास। तो हमारी जो अदरक है, हमारा धनिया है, पुदीना है, काली मिर्ची है, भुना हुआ जीरा है, काला नमक है, दही है, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हमें क्या करना है, आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। तो हमारा कोयला अच्छे से जल चुका है, अब हम गैस को करेंगे बंद और एक बाउल ले लेंगे और उसमें रखेंगे इस तरीके से स्टील की कटोरी, साथ में हम डालेंगे छाछ जो कि हमने ऑलरेडी पहले तैयार करके रखी हुई है, और इस पे अब हम कोयले पे हम डाल रहे हैं जीरा थोड़ा सा, और साथ में डाल रहे हैं कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची। जैसे इस पे धुआं आ जाए हम इस पे डालेंगे ऑयल, धीरे धीरे धुआं आना शुरू हो चुका है, और इसको एकदम से आप ढक देंगे। अब हमें इसको छाछ को इसी तरीके से इसमें रहने देना है और धुआं दे रहे हैं लगभग 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए जी लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, कोयले का सारा धुआं छाछ में जा चुका है। तो आइए अब कटोरी हटाते हैं और छाछ को सर्व करते हैं ठंडे ठंडे गिलास में जिसमें हमने आइस ऑलरेडी डाल के रखी है। तो आइए अब ट्रांसफर करते हैं अपने दही को, इसमें हमने छाछ को इसमें हमने इसमें बर्फ ऑलरेडी डाल के रख दी है। और इसको हम सर्व करेंगे कुछ पुदीने के पत्तों से। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी जो स्मोकी छाछ है वो बनके तैयार है। तो देर की बात की, आप भी अपने किचन में जल्दी से जाइए और इस स्मोकी छाछ यानी कि कोयले वाली छाछ को ट्राई करके बताइएगा मुझे कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी।